हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम टैली की एक और अमेजिंग TDL फाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसकी मदद से अगर आपके कंप्यूटर में अलग अलग जगह पर टैली का डाटा पड़ा है तो आप बार बार उसका पाथ कॉपी ना करके सिंपल एक ही बार में मल्टी पाथ क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कौन सी अमेजिंग TDL फाइल है और आप इसको टैली में किस तरह से यूज़ करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे कर लीजिए। आप यहाँ पर रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही यहाँ पर बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल पर आई टैली, ईवे बिल और GST से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम टैली सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं और यहाँ पे आज हम एक ऐसी TDL फाइल को लोड करने वाले हैं जिसकी मदद से अगर आपके कंप्यूटर में अलग अलग लोकेशन पे भी आपका टैली का डाटा पड़ा है तो आपको बार बार उसका पाथ कॉपी ना करके सिंपल आप एक ही बार में मल्टी पाथ क्रिएट कर सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के लिए हम आपको दिखाते हैं कि सपोज़ हमारा डेस्कटॉप पे यहाँ पे टैली का कुछ डाटा पड़ा है और हम इसको टैली में लोड कराना चाहते हैं। तो सिंपल सबसे पहले हमें यहाँ से इसका फुल पाथ कॉपी करना होगा एंड दोबारा टैली में आइए और गेट वे ऑफ टैली में आते हुए आप यहाँ पे ऑल्ट F3 प्रेस कर दीजिए, जिससे आप कंपनी इन्फो में आ जाएंगे और यहाँ से आप सिंपल सेलेक्ट कंपनी में आ जाइए। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारा पहले से ही कुछ डाटा चल रहा है, लेकिन अगर हम डेस्कटॉप का डाटा भी इसके अंदर ऑन करना चाहते हैं तो हमें यहाँ से बैकस्पेस की दबाना होगा और पाथ में यहाँ पे उस डाटा को पेस्ट कर दीजिए जो भी आपने कॉपी किया है, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl Alt V। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे आपका डेस्कटॉप का सारा डाटा आ चुका है, लेकिन इसको डालते ही जो हमारा पहले से इसमें डाटा चल रहा था वो अब यहाँ से उड़ चुका है। तो इसीलिए आज हम एक टैली की TDL फाइल को यूज़ करेंगे जिसकी मदद से आपको बार बार डाटा को कॉपी ना करके सिंपल एक ही बार में मल्टी पाथ क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये कौन सी टैली की अमेजिंग TDL फाइल है। ये हमारी वो TDL फाइल है जिसका नाम है टैली डाटा पाथ। सिंपल आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ में आइए एंड सिक्योरिटीज़ में आके यहाँ से आप इसका फुल नेम कॉपी कर लीजिए। कॉपी करते हैं आप दोबारा टैली में आ जाइए और गेट वे ऑफ टैली में आते हुए आप यहां से सिंपल F12 प्रेस कर दीजिए। F12 प्रेस करते आप कॉन्फ़िगरेशन वाली विंडो पे आ जाएंगे और यहां से आपको प्रोडक्ट एंड फीचर पे आना है। प्रोडक्ट एंड फीचर में आके यहां पे आपको एक ऑप्शन शो रहा होगा मैनेज लोकल TDL, या तो आप सिंपल इस पर प्रेस कर दीजिए या इसकी शॉर्टकट की है F4। F4 प्रेस करते ही आप TDL कॉन्फ़िगरेशन वाली विंडो पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन में आके उस TDL फाइल को पेस्ट कर देना है, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl Alt V। देन सिंपल आप TDL कॉन्फ़िगरेशन वाली विंडो को एक्सेप्ट करा दीजिए। इसे एक्सेप्ट कराते आप देखेंगे कि यहाँ पे आपकी वो TDL फाइल लोड हो चुकी है। आइए देखते हैं कि ये TDL फाइल वर्क कर रही है या नहीं। तो आप दोबारा गेट वे ऑफ टैली में आते हुए यहाँ से Alt F3 दबा दीजिए, जिससे आप कंपनी इन्फो में आ जाएंगे। देन आप दोबारा सेलेक्ट कंपनी पे आ जाइए। सेलेक्ट कंपनी पे आते हैं आप यहाँ पे देखेंगे कि अब आपको पाथ में एक न्यू ऑप्शन शो हो रहा है जिसपे लिखा है एनी। सिंपल आप इस पर आके इस पर एंटर प्रेस कर दीजिए और यहाँ पे आपको लिखा है न्यू डाटा पाथ। तो आप यहाँ पे उस डाटा के पाथ को कॉपी कर दीजिए जिसे आप टैली में लोड कराना चाहते हैं। तो सपोज हमारा डेस्कटॉप पर कुछ डाटा पड़ा है, इसे हम टैली में लोड कराना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसका फुल पाथ कॉपी कर लीजिए। कॉपी करते ही आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए Ctrl Alt V। देन आप एंटर प्रेस करा दीजिए। एंटर प्रेस कराते आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका डेस्कटॉप का सारा डाटा आ चुका है और अब हम साथ में अगर और किसी लोकेशन पे भी डाटा पड़ा है तो हम उसको भी टैली में डालना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप किसी एक कंपनी को ऑन कर लीजिए। तो उसके लिए सबसे पहले आप एक कंपनी को ऑन कर लीजिए और कंपनी को ऑन करते ही दोबारा से Alt F3 दबाइए। देन आप दोबारा सेलेक्ट कंपनी में आइए और दोबारा से बैकस्पेस की दबा के एनी में आ जाइए। अब आप यहाँ पे किसी और लोकेशन में डाटा पड़ा है तो उसको भी यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो हमारा यहाँ पे डी ड्राइव पे भी कुछ टैली का डाटा पड़ा है, हम यहाँ से इसका भी पाथ कॉपी कर लेते हैं एंड इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl Alt V। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका टैली का डी ड्राइव का डाटा भी यहाँ पे आ चुका है। तो आप एक बार दोबारा से बैकस्पेस की दबाइए। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि आपके दो पाथ क्रिएट हो चुके हैं और अब आपको बार बार यहाँ से इसको कॉपी या पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर हम एक तीसरे को भी यहाँ पे डालना चाहते हैं, सपोज़ हमारा कुछ डाटा यहाँ पे प्रोग्राम में, टैली में और यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर में भी पड़ा है, सिंपल हम यहाँ से इसके पाथ को भी कॉपी कर लेते हैं।
इसे कॉपी करने के बाद इसका तरीका यही है कि सबसे पहले आपको एक कंपनी के अंदर आना होगा। तो सपोज हम यहाँ से एक कंपनी को ओन कर लेते हैं, और कंपनी को ओन करते हैं अब यहाँ पे दोबारा से ओल्ट एफ थ्री दबाइए, सेलेक्ट कंपनी में आइए एंड बैकस्पेस की दबा के एनी मार के यहाँ पे आप उस पाथ को कॉपी कर दीजिए जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ओल्ट वी। देन आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके एक ही बार में तीन तीन यहाँ पे पाथ बन चुके हैं। अब आप जिस भी कंपनी में काम करना चाहते हैं सिंपल आप उस पर आइए और यहाँ से उसको ओपन कर लीजिए, जिससे आपको बार बार आप उस फोल्डर में जाके उसके पाथ को कॉपी नहीं करना होगा। तो ये TDL फाइल उन लोगों के लिए भी काफ़ी यूजफुल है जिन लोगों के काफ़ी अलग अलग डाटा होते हैं और उसको वे एक साथ नहीं रख सकते, इसलिए उनको अपने सिस्टम में उसको अलग अलग जगह पे रखना पड़ता है और उनको बार बार उसको लोड करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये टैली की काफ़ी ही यूज़फुल TDL फाइल है जिसकी मदद से आप एक ही बार में काफ़ी सारे मल्टी पाथ को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप इस TDL फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी दे दीजिए, हम आपको मेल के थ्रू ये TDL फाइल प्रोवाइड करा देंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अब इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे आपको इसी तरह की अमेजिंग TDL फाइल्स मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।